विदेशों की धरती से खींच लाए हैं शाहरुख खान लगभग 300 करोड़ रुपया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जवान मूवी की, जो कि हाल ही में सिनेमाघरों के अंदर लगी हुई है। और इस मूवी ने दोस्तों अच्छा खासा कलेक्शन तो प्राप्त किया ही है और लगभग 300 करोड़ के आसपास विदेशों से भी कलेक्शन पा लिया है। और जानते हैं दोस्तों आठवें दिन इसने कितना बिजनेस किया। और आपको पता ही है शाहरुख खान सभी के दिलों में राज करते हैं। और इस फिल्म के अंदर अगर बात की जाए दोस्तों कल के कलेक्शन की, तो लगभग 23.2 करोड़ की कमाई की है। हालांकि वीकडे के अंदर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये कलेक्शन कम हुआ है, लेकिन घबराने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले अभी आ चुका है नेक्स्ट वीकेंड, तो इसके अंदर इसका आंकड़ा बड़े भले ना लेकिन कम भी होने के आसार बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये मूवी आने वाले टाइम के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा सकती है इस वीकेंड के अंदर भी। और आपको बता दिया जाए दोस्तों इस मूवी ने टोटली जो पैसा आज तक कमाई की है 660 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। और ये 8 दिनों के अंदर इंडिया के अंदर जो इसने बिजनेस किया है 387.78 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी कर चुकी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बायकॉट गैंग जो है वो उनको मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिल रही है। क्योंकि दोस्तों पिछली मूवी की अगर बात की जाए शाहरुख खान की, जो पठान आप सबको पता है, जिसको बायकॉट किया गया था और वो कितनी सुपरहिट रही थी, 10.5 लगभग कह सकते हो, 1050 करोड़ से भी ज़्यादा का उस मूवी ने बिजनेस किया था। तो कहीं ना कहीं बायकॉट, और जब तक बायकॉट और सपोर्ट ट्रेंडिंग में चलता रहेगा दोस्तों, मूवी इसी तरीके से सुपरहिट होती रहेगी। और शाहरुख खान की अभी नेक्स्ट मूवी दोस्तों और आने वाली है, आप सबको पता ही डंकी, तो उसका भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। तो इस मूवी ने दोस्तों पूरा दिल खुश कर दिया सभी का। जो भी इस मूवी को देख के आता है वो यही कहता है कि बहुत ही शानदार मूवी ये रही है इस। और आपको पता ही है दोस्तों शाहरुख खान की लगभग हर मूवी सबसे अच्छी ही रहती है। तो नेक्स्ट मूवी के अंदर क्या अपडेट्स आएंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।